हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 मुझे कुछ इस तरह से रखा है, इफ एक्स की पावर 51 प्लस में 51 इज अ डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 देन द रिमाइंडर इज, अगर एक्स प्लस 1 का इसमें डिवाइड दिया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा ये हमें बताना है। तो ये हमारा कोई पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स की पावर 51 प्लस में 51 और डिवाइड देना है x प्लस 1 का, तो रिमाइंडर बताना है। अगर हमें सिर्फ रिमाइंडर पूछा जाए तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इक्वल ले लेंगे 0 के, प्लस का 1 उधर जाएगी, इसका जाएगा माइनस का, ये मेरी वैल्यू आ गई, तो इस माइनस 1 को पुट कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, माइनस 1 की पावर 51 प्लस में 51, अगर किसी की पावर ऑड हो और अंदर कितना हो माइनस का 1 हो, पावर ओड हो और अंदर कितना हो माइनस का 1, तो आंसर हमेशा माइनस का ही आता है। अगर पावर इवन होती तो पॉजिटिव का जाएगा, पावर ओड होगी तो आंसर नेगेटिव का आएगा। प्लस में 51, 51 में से 1 गया कितना आ गया 50। ठीक है, और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 12 को नोट कर देता हूँ यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस kx, तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताने इनमें से कौन इसका आंसर होगा। तो ये मेरा मान लो पॉलिनोमियल दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस में kx, जैसे मैंने ऊपर वाला किया सेम टू सेम उसी तरीके से करना है। अगर x प्लस 1 इसका फैक्टर है तो x की वैल्यू प्लस का अंदर इसका हो जाएगा माइनस का, इसमें माइनस 1 पुट करने पर इसका रिमाइंडर कौन शो करेगा, ज़ीरो। अगर इसका फैक्टर है तो इसकी वैल्यू से पुट करने पर रिमाइंडर क्या शो करेगा, ज़ीरो। एक्स की जगह पे कितना रख देंगे, माइनस का 1, एक्स की जगह पे माइनस का 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2, के को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का के, माइनस का के ट्रांसपोज होकर दूसरी तरफ गया, किसका हो गया पॉजिटिव का या माइनस का 2, यानी के की वैल्यू मेरी कितनी आ गई नेगेटिव में 2। ठीक है, सॉरी इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो माइनस वन को माइनस वन से गुणा करेंगे प्लस का आ जाएगा, तो मेरा आंसर पॉजिटिव का 2 आएगा। तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 13 को नोट कर देता हूँ यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 मेरा कुछ इस तरीके से दे रखा है कि एक्स प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, बताओ एक्स प्लस 1 इन चारों में से किसका फैक्टर होगा। ठीक है, अगर जिसका भी फैक्टर होगा जहाँ पर इसकी वैल्यू रखने पर अगर रिमाइंडर ज़ीरो शो हो जाता है तो वही इसका फैक्टर होगा। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला क्या 2 8 का फैक्टर है, तो मैंने 2 में डिवाइड दिया, 2 4 ज़ा 8, तो मेरा रिमाइंडर कौन आया, 0। अगर जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो समझ लो वो इसका फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 नहीं आया तो उसका फैक्टर नहीं है। तो हमें चारों ऑप्शन को 1 बाय 1 करके ट्राई करना पड़ेगा। ऑप्शन ए को ट्राई करते हैं, पॉलिनोमियल मुझे दे रखा है एक्स की पावर 3 एक्स की स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, चेक किसको करना है, एक्स प्लस 1 को। अगर इसका फैक्टर है तो एक्स की वैल्यू इसमें रखने पर रिमाइंडर क्या शो करेगा, 0, प्लस का 1, दूसरे तो एक्स को आ जाएगा माइनस का, एक्स की जगह रखा माइनस 1, यहाँ माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 आ गया। ठीक है, माइनस 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 ही आएगा, माइनस 1 को माइनस 1 से गुणा करेंगे प्लस का 1, माइनस माइनस प्लस प्लस का 1, ये माइनस का प्लस का कट गया, कितना आया 2, 0 तो नहीं आया। अगर 0 नहीं आया तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, पी एक्स इज नॉट फैक्टर ऑफ एक्स प्लस 1। ठीक है, एक्स प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं होगा। तो ऑप्शन बी को ट्राई करते फिर अब हम, ऑप्शन बी को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ऑप्शन बी मुझे दे रखा है एक्स के क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, वही सेम टू सेम हमें चेक करना होगा, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस का उधर एक्स का आ जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे एक्स की जगह रखा मैंने माइनस का 1, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, जहाँ पे एक्स था वहाँ पर क्या लगा दिया माइनस का 1,
माइनस वन को तीन बार गुणा करेंगे तो आंसर किसका आएगा, माइनस का वन। माइनस वन को माइनस वन से गुणा करेंगे कितना आएगा, प्लस का वन। प्लस माइनस माइनस, देखो ये माइनस का प्लस का कट गया, माइनस का प्लस का कट गया, कितना आंसर आया, जीरो आ गया। जीरो आ गया तो एक्स प्लस वन इसी का फैक्टर होगा, एक्स प्लस वन इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, यानी इस वाले पी एक्स का ये फैक्टर होगा। तो आंसर कौन हो जाएगा बी। लेकिन अब मैं सी ओ डी को भी आपको ट्राई करके दिखाता हूँ कि सी ओ डी को भी कैसे ट्राई करते हैं, ठीक है। तो सी में दे रखा मुझे एक्स की पावर फोर एक्स की क्यूब स्क्वेयर प्लस में वन, चेक करना एक्स प्लस वन को, प्लस का है उधर एक्स को आ जाएगा माइनस का, ठीक है। यहाँ पर रखा मैंने माइनस का वन, माइनस वन की पावर फोर, वन की पावर थ्री, वन की पावर स्क्वेयर प्लस में वन, पावर इवन है। अगर पावर इवन होगी तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो आएगा पॉजिटिव का वन। पावर अगर ऑड होगी तो आंसर हमेशा नेगेटिव का आएगा, माइनस वन को माइनस वन से तीन बार गुणा करने पे माइनस का वन ही आएगा। पावर और इवन है, माइनस वन को माइनस वन से गुणा करने पे प्लस का वन आएगा। तो देखो ये प्लस का माइनस का कट गया, एक और ये कितना आया, दो। जीरो के इक्वल तो नहीं आया, अगर जीरो के इक्वल नहीं आता है तो एक्स प्लस वन इसका फैक्टर नहीं होगा, एक्स प्लस वन इज नॉट फैक्टर ऑफ पी एक्स, इसका फैक्टर नहीं होगा। एंड डी ऑप्शन को ट्राई करते हैं, डी ऑप्शन मुझे दे रखा है एक्स की पावर फोर प्लस थ्री एक्स की क्यूब प्लस थ्री एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। चेक किसको करना है, एक्स प्लस वन को, प्लस का वन इसको आ जाएगा माइनस का, यहाँ लिखा माइनस के वन की पावर फोर, माइनस वन की पावर थ्री, वन की पावर स्क्वायर, माइनस का वन प्लस में वन। पावर इवन है, पावर इवन हो तो आंसर जो आएगा वो किसका आएगा, पॉजिटिव का आएगा। माइनस वन को माइनस वन से चार बार गुणा करेंगे तो पॉजिटिव का वन आएगा। और पावर अगर इवन में हो यानी सॉरी ऑड में हो, यानी कि एक तीन पाँच सात हो, तो आंसर हमेशा किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। माइनस वन को तीन बार गुणा करने पे माइनस का वन ही आएगा, माइनस वन को माइनस वन से गुणा करने पे प्लस का वन आएगा। प्लस माइनस माइनस, एक थ्री वन जा थ्री, थ्री वन जा थ्री, माइनस का वन एंड प्लस का वन, माइनस का थ्री प्लस का थ्री कट गया, प्लस का वन माइनस का वन कट गया, कितना बचा वन। बट जीरो के तो इक्वल नहीं आया, जीरो के इक्वल नहीं आया तो एक्स प्लस वन इज अ नॉट फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय बाय, थैंक यू।